देखिए 27 जुलाई को एक एप्लीकेशन जनपद उन्नाव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये प्राप्त हुई थी कि जो प्रधानाध्यापिका हैं सरिता गुप्ता एवं उनके पति के खातों से 1,10,000 इनके खाते से और 1,10,000 रुपये उनके पति के खाते से 10-10,000 करके काट लिए गए और उनको इस प्रकार का कोई मैसेज भी नहीं प्राप्त हुआ। इसकी जब जानकारी की गई, साइबर सेल ने इसमें लीड लिया अभी थोड़े दिन पहले, इसकी जब जानकारी गई जो इनके खाते का डिटेल निकाला गया, उससे जहां पर पेमेंट हुआ था उस पेमेंट को ट्रैक किया गया, उस पेमेंट के बारे में जब हमने उस पर्टिकुलर एजेंसी से बात की तो ये पता चला कि एक पर्टिकुलर आईडी है जिसके द्वारा ये खाता बनाया गया है। उस पर्टिकुलर आईडी को ट्रेस किया गया, वो आईडी राजस्थान राज्य की निकली। जब वहाँ तक हम लोग पहुँचे तो ये पता चला कि एक अभियुक्त है जो अपने भाई के नाम पर आईडी बनाकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। वहाँ लोकल छानबीन की गई, लखनऊ से अनुमति लेकर, जो हमारा मुख्यालय है उससे अनुमति लेकर हमने अपनी साइबर टीम को राजस्थान एवं जनपद सोनौली भी भेजा, तो वहाँ से ये जानकारी आई कि एक मुख्य अभियुक्त है जिसके निर्देशन में इस प्रकार का गैंग, जो कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर कि अंगूठे का डेटा उपलब्ध रहता है, उनसे ये लोग डेटा डाउनलोड करते हैं, उस अंगूठे को स्कैन करते हुए ये लोग उसको अंगूठे का निशान पॉलीवाइनल पर या अन्य मटेरियल पर प्रिंट करके उसके आधार पर जो AEPS होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसके द्वारा ये खातों से पैसा निकालते हैं। ये आईडी जब ट्रेस की गई तो फिर इस अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई। लोकल पूछताछ करने पर यह बात संज्ञान में आई कि हाँ, इनके द्वारा पिछले कुछ समय में इस प्रकार की संपत्ति अर्जित की गई और कई जगह पर पैसा लगाया गया, तो इन पर हमारा शक पूरी तरीके से पक्का हो गया। वहीं के लोगों ने हमें मुखबिरी की और वहाँ के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया हमारा, और फिर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से ये एक लैपटॉप, इनके जो 2,20,000 रुपये थे उससे संबंधित जो इनके पास से पैसे मिले हैं, 1,90,000 रुपये पैसे मिले हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड और इनके मोबाइल जिनके द्वारा ये आईडीज बनाई जाती थी उनको भी हम लोगों ने बरामद किया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं वो थाना विभूति खंड द्वारा, उनके द्वारा तो 2 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड किए जा चुके हैं, वो थाना विभूति खंड द्वारा जेल भेजे गए हैं। उनको वारंट भी पर लाकर उनका केस में नाम बढ़ाते हुए जो भी आवश्यक धाराएं हैं उनकी बढ़ोतरी की जाएगी, और इसमें आगे भी हम लोग जो कंसर्न फाइनेंस एजेंसीज हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार के अन्य आईडीज हैं जो कि दूर दूर के या इन पर्टिकुलर जगहों से बने हुए हैं, और इसके संबंध में हम लोग एक लखनऊ भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें कि अंगूठे का या अन्य कोई बायोमेट्रिक डेटा फ्रीली अवेलेबल रहता है, तो उसको थोड़ा सा उनके वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के संबंध में और विचार किया जाए, और इसमें आगे हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई कराते हुए इनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई तक कराने का, चूँकि दूसरे राज्य का मामला इसकी समस्या आ सकती है, लेकिन हम उसका भी प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से मेरी अपील ये है कि अपने खाते का बैलेंस रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, और एक सिद्धांत होता है कि कोई फ्री में आपको कुछ नहीं देता है, तो अगर कोई फ़ोन आता है, चाहे नौकरी को लेकर आता है, चाहे मोबाइल टावर लगाने को लेकर आता है या अन्य किसी भी चीज़ को लेकर आता है और आपका OTP मांगा जाता है, आप अपना OTP बिल्कुल मत दीजिए, और इस संबंध में तत्काल बैंक या जो आपकी मोबाइल कंपनियां उनसे संपर्क करिए कि क्या ऐसा कोई प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। कोई फ्री में अगर आपको कोई वादा करता है तो कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें। और